मैं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा प्रभाग समिति के हद में आज धनंजय गोसावी ने हॉकर्स पे की कार्रवाई। हालांकि आपको बता दें कि इस तरह की कार्रवाई कई सालों से की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी हॉकर्स अपने स्थान पर कायम है। दरअसल क्या करें, हॉकर्स भी, उनके भी परिवार है, उन्हें भी अपना घर चलाना है। शायद यही वजह है कि हर रोज ये हॉकर्स जद्दोजहद करते हैं और फिर थाने महानगर पालिका फुटपाथ पर लगे हाथ गाड़ियों पर सब्जियों सहित उनकी गाड़ियों पर कार्रवाई करती है। इसी तरह कार्रवाई के दौरान हॉकर्स का लाखों का नुकसान होता है। यहाँ के जिम्मेदारों को चाहिए कि उन्हें भी कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कराया जाए जहाँ वो इन कार्रवाइयों से बचे। आज जो कार्रवाई किया गया है, धनंजय गोसावी ने अपने टीम को लेकर धावा बोला है और कई हाथ गाड़ियों पर और रोड किनारे ज़मीन पर सब्जी बेचने वालों पर कार्रवाई की। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, आप देखें कि किस तरह से थाने महानगर पालिका ने कार्रवाई की है। अमृत नगर का इलाका है जिसे आप गुलाब पार्क मार्केट के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले थाने महानगर पालिका से कार्रवाई कर रहे थे साबले और अब चार्ज धनंजय गोसावी को दिया गया है। इनका कहना है कि सड़क पर एक भी हॉकर्स द्वारा दुकान हाथ गाड़ियां लगाने नहीं दूंगा। मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुंब्रा शहर में हॉकर्स की मांग हो रही है, आखिर इन्हें सड़क से दूसरी जगह कब शिफ्ट किया जाएगा। और इसी के साथ तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।